मैंने तो हिसार रैली में ही बड़े क्लियरली बोल दिया था कि हमने महेंद्रगढ़ भिवानी और दूसरी हिसार लोकसभा सीट मांगी थी, उस पर सहमति नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया और मुझे नहीं लगता उससे अलग कोई बीजेपी के भी साथी ने बोली होगी। पर मैं एक चीज जरूर कि हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हमारा सरकार का गठबंधन था, मुझे लगता है उनने प्रभार नया संभाला, उनको मनोहर लाल जी से पूछ लेना चाहिए था। अगर सरकार का गठबंधन था तो फिर एनडीए की बैठक में जेजेपी को क्यों बुलाया गया? आज के दिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों एनडीए के अंदर जेजेपी को एक हिस्सा मानते थे? और हमने तो पहले दिन ये निर्णय कर लिया था 12 तारीख को ही कि जननायक जनता पार्टी नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बनेगी, एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। चर्चाएं तो पता नहीं क्या क्या आएंगी और क्या क्या रही होंगी और क्या क्या आगे बनाई जाएंगी। मैं एक चीज आपको स्पष्ट कह देता कि हरियाणा गवर्नमेंट का नेतृत्व मनोहर लाल जी कर रहे थे। जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली हो जाते। जैसे ही मनोहर लाल जी ने रिजाइन किया, मैंने उसी समय अपना ऑफिस हो, अपना स्टाफ हो, सारा रिलीव कर दिया था। मुझे कोई लालच नहीं था कि हम बैठे रहे या उस सरकार के चिपके रहे, उस कुर्सी के बैठे रहे, एक मिनट भी नहीं लगाया था। और आप सभी साथी दिल्ली थे और ना आज शोक, अगर कार्यकर्ता मेहनत करेंगे तो हम इससे बड़े नंबर्स के साथ आएंगे, इससे बड़ी पावर के साथ आएंगे। तो कार्यकर्ताओं की मेहनत पर है। 4.5 साल अगर हमने काम किया तो हरियाणा के हित में काम किया।